ग्रानो ने स्ट्रैडल किया है स्ट्रैडल का मतलब यही होता है बिना पत्ते देखे ही पहले मैं रेस कर रहा हूँ एक उसी के हिसाब से गेम चलेगा एंड यहाँ जॉनी चैन मेन इवेंट चैम्पियन भी पीछे चुपचाप ऐसे सिर्फ लिम्प करके ही आ गए चाहते हैं कोई री रे करके कहीं आ जाए अगर एंड यहाँ डैनियल ग्रानों को लग रहा है बहुत सारे लोग आए हैं किसी के पास कोई हैंड नहीं है मैं चला री रे करने

वहाँ पर सीधे अनाउंस हुआ एक री रेज तीस हज़ार डॉलर का निगरानों थोड़ा सरप्राइज जरूर हुए इससे कि क्या हुआ है पर री रेज इतना बड़ा भी नहीं है देखिए नौ हज़ार हुआ था तीस हज़ार हैं आप बाकी यहाँ पर निगरानों देख रहे हैं कि देखिए इक्कीस हज़ार ही ऑल कॉल करना है पीछे भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चिप्स हैं अभी बिल्कुल और कॉल कर सकते हैं नाइन सूटेड पोस्ट लोग बहुत अच्छा खेलते हैं हैंड एज अ हैंड तो फिर मुझे लगता है शायद कॉल करेंगे मे बी ये भी रीजन है कि दो प्लेयर और हैं छोड़ दिया उन्होंने नाइन टेन सूटेड मोनेटा इस हैंड के साथ आए थे सूटेड हैंड है डिसाइड किए और लाख को समझ में ही नहीं आ रहा ये हार्ड है, में हुआ क्या जिससे वो फोल्ड एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कॉल कर रहे हैं जिससे वो कॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे वो फोल्ड कर रहे हैं अब बोल रहे हैं मैं अपनी पॉकेट थ्रीज के साथ यहाँ क्या करूँ बोल रहे हैं

बिल्कुल यहाँ पर कट शॉट तो मिला है उन्हें चाहते तो वो थे कि यार थ्री आ जाए एक थोड़ा रेस्ट श्योर्ट रहते कि यहाँ पर उनका सेट लग जाए लेकिन जॉनी चैन के पॉकेट एसेस अभी भी गुड पैंतालीस हज़ार डॉलर लग तो नहीं रहा है किसी से उन्हें कोई अपोजिशन मिलने वाला है पैंतालीस हज़ार डॉलर की एक हेफ्टी बैट यहाँ पर मोनेटा इतना कुछ हैंड उनके पास बिल्कुल भी नहीं किंग हाई यहाँ पर चिप्स अपनी देखते हुए इंटरेस्टेड क्यों लग रहे हैं यहाँ पर ऐसा कुछ हैंड है ही नहीं उनके पास नो आइडियाज पेड भी नहीं है मालूम नहीं आ, या तो शायद वो... और ऑल इन बोल दिए हैं ये तो बहुत बड़ा मिसप्ले हो गया आप परसेंटेज से ही देख लीजिए दो परसेंट दिख रहा है उनका हैंड हैंड पकड़े गए मेन इवेंट डबल मेन इवेंट चैंपियन के अगेंस्ट यहाँ पर पूछ रहे हैं एक दूसरे का हैंड वो बोलते हैं मेरे पास किंग है सीधे बोली जाए तुम्हारा किंग है दो एसेस के अगेंस्ट ये सिचुएशन में बहुत ही बड़ा मिस बोनेटा का एंड यहाँ जीतने के लिए बहुत बहुत ज्यादा मदद चाहिए मुझे तो लगता है यहाँ पर बोनेटा ने बिल्कुल चैन को ऐसा सोचा कि चैन कुछ प्ले बनाना चाह रहे हैं वरना अदर अदरवाइज वो ऐसा नहीं करते वो कुछ इनकी रीड होगा इनके माइंड में कि यहाँ पर चैन इनको बेवकूफ बना रहे हैं या कुछ तो ट्रिकी खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो इन्होंने सोचा ऑल इन करके हम चैन को फोल्ड कर डिसाइड भी, भी कर लिए हैं कि दो बार रन करेंगे इस बोर्ड को यहाँ पर जो पैसे हैं आधे आधे डिवाइड किए जाएंगे पहले में एक एट आया है मतलब चांस ही नहीं है जीतने का कोई भी पत्ता आखिरी नहीं आ सकता जिससे वो जीत सकते हैं एक डूस आते हुए चलिए कम से कम दो बार तो रन करे थे ये तो उनके लिए अच्छा है दूसरी बार का रनआउट देखने में बिल्कुल इंटरेस्टिंग ही नहीं लग रहा है लग रहा है कि पैसे जला ही दिए यहाँ पर क्वीन जरूर आई है सो so, इससे किंग और क्वीन अगर आ गए ये आउट्स ऑफ ऊपर देख सकते हैं पांच पत्ते उन्हें बचा सकते हैं पर अभी भी फेवरेट तो जॉनी चैन ही एंड बिल्कुल इसी मास्टरपीस की तरह ये अपने एसिस को खेले एंड ये आधा मिलियन का पॉट दो भी नहीं उन्होंने तो ज्यादा मौके दिए बोला तुम जितनी बार रन करो दो परसेंट तुम्हारा <laughs> तो थोड़ा सताना ही हो गया उनके लिए कि यहाँ एक और क्वीन आउट सब कम क्योंकि एक क्वीन जा चुकी है एंड फिर से एक निराशाजनक रिवर सारे पैसे दीजिए हमारे डबल मेन इवेंट चैंपियन जॉनी चैन को बिल्कुल खड़े हो गए हैं चिप्स इकट्ठा करने के लिए बहुत खुश पांच लाख सोलह हजार डॉलर का पॉट जीते हुए This game may be habit forming or financially risky. Play responsibly.